अपने मम्मी को पता चलेगा ना 299 का शॉर्ट्स लिया मैंने, सिर्फ शॉर्ट है, मेरे को इतनी गालियां पड़ी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका भाई रोनिल सावंत। तो अगर आज के दिन की बात करूँ तो मैं सुबह एक्चुअली 7 बजे उठा हूँ, मेरा एक काम था मुंबई सेंट्रल में, तो मैं सुबह से गया और अब भी एक्चुअली 10:30 हो रहा है। मैं 10:15 को घर पे आया और थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गया, और मेरा प्लान एक्चुअली था कि मैं शाम को जाऊँगा जिम के लिए, बट आर्यन का कॉल तुरंत जैसे मैं सोचा वैसे उसका कॉल आ गया कि भाई जल्दी रेडी हो जा कि 11 बजे तक निकलना है जिम के लिए। तो फिर मुझे याद है कि मैंने उसको कल बोला था कि कल साथ में जाएंगे और पुश वर्कआउट शूट करेंगे, व्लॉग के लिए करना है। तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ शाम को जाना, क्योंकि दिन भर बिजी रहता तो शाम को मैं जाता हूँ जिम को, बट आज सुबह जाना पड़ा क्योंकि शाम को भीड़ ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा फुटेज और वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और सर भी चिल्लाता, तो सुबह एक्चुअली भीड़ नहीं रहती जिम में। तो मैं अभी वही जाके जिम में रिकॉर्ड करूँगा, बट उसके पहले मैं अभी थोड़ा ओट्स खा लूँगा पोमोग्रेनेट के साथ, थोड़ा क्योंकि घर पर पोमोग्रेनेट क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे कहना क्या चाहते हो, पोमोग्रेनेट भी है तो ओट्स थोड़ा अच्छा बनेगा, और एक कप ऑफ कॉफ़ी भी मारूंगा, थोड़ा कैफीन रश आएगा तो वर्कआउट में भी मज़ा आएगा। तो मैं अभी ये खा के जल्दी से जिम के लिए निकलता हूँ, आप वर्कआउट एंजॉय करो। Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, this what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah, come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right, make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Suge Knight. And they know this took time, this what a legacy look like. तो आई एम बैक फ्रॉम द जिम। आज का वर्कआउट क्या ही बोलूँ, एक नंबर वर्कआउट था, 10 out of 10 मस्त। आज मैंने अपना PR डंबल भी हिट किया, विच वॉज अराउंड 27 kg अप्रॉक्स, 27 kg का डंबल था, अच्छा मस्त वर्कआउट रहा। और बेंच प्रेस में भी मैंने फ्लैट में आर्च भी अच्छा था, और 80 kg लिया आज, दो रेपिटेशन ही मारे बट सेटिस्फाइड, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आज के वर्कआउट में। सुबह से इतना दिन हेक्टिक हो रहा है, भूख गंदी, बहुत गंदी वाली भूख लगी, और घर पे भी कोई नहीं है, और प्रोटीन के लिए कुछ है भी नहीं मेरे पास। आज बेसिकली थर्सडे, तो मैं अंडे है बट अंडे कर नहीं सकता क्योंकि मम्मी बोल के गई है कि आज थर्सडे, आज मैं अंडे खा नहीं सकता। पनीर लेना है मेरे को, बट पनीर लेने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मैं जिम से आ रहा था, मुझे रास्ते में याद है पनीर लेना है,
बट जब मैं बात कर मैं आ रहा आर्यन कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो बात करते करते हम लोग इतना भूल गए कि मुझे बिल्डिंग के नीचे आ रहा कि पनीर लेना तो मैं भूल ही गया। तो मैं बोला कि ऊपर आता हूँ, थोड़ा पानी पीता, मुँह वो धोता हूँ और फिर से जाऊँगा। आ गया, फ्रेश व्रेश हो गया मैं, बट नीचे जाने को मन नहीं कर रहा, जाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि तो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वाट लग जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। जाना तो पड़ेगा यार, घर घर पे रुना ली मेरी बहन भी नहीं, तो उसको बोल देता था प्लीज़ यार जाके लेके आ, ये तो तेरे लिए भी कुछ लेके आ, बट मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं है, घर पे कोई नहीं है, बट मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नीचे जाके पनीर लेके आता और फिर दिखाता आपको पोस्ट वर्कआउट में। अंकल 150 ग्राम पनीर है क्या? दो ना। कितना? 50 रुपए का हो गया है। 50 का दे दो चल। सो गाइस मैंने पनीर ले लिया, ये देखो, अब भर जाता हूँ और कुछ एकदम ऐसा तगड़ा सा बनाता हूँ, क्योंकि पनीर नहीं जाता गले के नीचे, मुझे अगर ऐसे अच्छे से बना जैसे टेम्पटिंग लगे तो ही खाने का मन करता। चिकन खाने वाला बंदा, चिकन और अंडे, पनीर का इतना बड़ा फैन नहीं, बट ठीक है, वेज डेज पे क्या ही कर सकते हैं। देखा था आपको अभी पोस्ट वर्कआउट में, गाइस 3 घंटे से मैं एक जगह पे बैठा था, एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था तो लैपटॉप लेके 3 घंटे, आई गेस 2 बजे से बैठा, 2 से 5 मेरा कुछ एग्ज़ाम था, तो 3 घंटे से मैं बैठा था, बहुत मतलब मेरा लोअर बॉडी पूरा सोर हो गया, मतलब मुंगे आता है ना वैसे लग रहा है। मैं एक्चुअली डोर लॉक करके बैठा था, मेरी बहन है उसकी जो फ्रेंड है ना वो मेरी छोटी बहन जैसी है, तो उसका बर्थडे तो वो लोग वही डेकोरेशन कर रहे थे और बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो वही वो लोग का अभी केक कटिंग वो सब चालू है, मैंने डोर लॉक किया इसलिए आप लोग को इतना आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो अच्छा मेरा एग्ज़ाम जल्दी हो गया, मतलब 2 से 5 तक का एग्ज़ाम था, 2 to 5, तो मेरा 4:30 को ही हो गया पेपर, मैंने सबमिट कर दिया, तो हम लोग का वाइंड अप हो गया, तो मैंने सबमिट कर दिया, मैं लॉबी से निकल गया, तो अभी वही मैं जा रहा हूँ, अभी बाहर ही जाता हूँ, और विश तो करना पड़ेगा ना, मेरी भी छोटी बहन जैसी हो गई हूँ, तो आपको एक बर्थडे का ग्लिम्स मिलेगा देखो। तो गाइज अभी हम लोग डी कैथलॉन आए, आर्यन भी आया मेरे साथ, क्या क्या लेने आया? मैं जिम के लिए स्ट्रिंगर्स लेने के लिए आया, स्ट्रिंगर्स एंड शॉर्ट्स लेट्स सी जिम के लिए ना। हाँ भाई इंग्लिश जा रहा है, अरे बाप रे। तो वही मतलब मैं पिछले 3 साल से मैं इधर आ रहा हूँ, बट मेरे को खुद को नहीं पता डी कैथलॉन, इसी ने बताया मेरे को कि डी कैथलॉन है भाई जाते हैं, न्यूली ओपन है। मैंने भी साकेत के वीडियो में देखा, तब से हम लोग को भी डी कैथलॉन का नया ये शौक जड़ा कि उधर अच्छे कपड़े मिलते, देखते ढंग का मिल रहा है क्या भाई ब्लैक, अरे हाँ दूर से ब्लैक दिख रहा नहीं है ना, पीछे भाई ब्लैक है, ब्लैक है ना यार। देखा आर्यन, मजा आ गया ना।
भाई अपन 3 घंटे से घूम रहे, 3 घंटे से अपन गेम जोन में भी खेल लिए और अब जाके ये मिल रहे। अभी मेरे को देखा ना ऐसे होता है भाई, 3 घंटा हम लोगों ने टीटी खेला और एक्सपेक्ट किया था कि हाँ वही कैलोरीज बर्न हुआ ठीक है, एक्सपेक्ट किया था कि मिल जाएगा टीटी खेलने के बाद मिल गया वो अच्छा है। अरे हाँ थैली ले लेता भाई। अपन कितने घंटे से इधर दिए, मोर देन 3 से ज़्यादा ना। क्या खेला? टीटी खेला, गोल्फ खेला, गोल्फ खेला, टीटी खेला। लेने गए थे अपन, क्या लेने आए थे? शॉर्ट सिंगर, एक्चुअली सिंगर लेने आए थे बट मिला तो नहीं, शॉर्ट लेके आए। सिंगर मिल रहा था बट नहीं अपने को चाहिए था वैसे नहीं मिल रहा था, वो अलग ही था। एक्चुअली वो सिंगर प्रॉपर नहीं था शूटर्स के लिए। हाँ ना यार, दिखते रहे। और लिया क्या अपन ने एट दी एंड? शॉर्ट्स हो गए आफ्टर 4 आवर्स। भाई मेरे मम्मी को पता चलेगा ना 299 का शॉर्ट्स लिया मैंने, सिर्फ शॉर्ट। मेरे को इतनी गालियाँ पड़ेगी ना, साला 299 मध्ये 2 टी-शर्ट आले असते रिलायंस मध्ये। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक ये व्लॉग आखिर तक देख रहे हो इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। मुझे एक और बात बताना मैं भूल गया था कि मेरे काफ़ी सारे, वो मैं अभी बोल देता हूँ कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि वाई योर व्लॉग्स आरंट रेगुलर। सो मेरे लाइफ में गाइस ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है कि मैं वो डालूँ, और मुझे भी नहीं पसंद आएगा कि कुछ मैं रेपिटेटिव डालूँ और आपको भी देखने को मज़ा नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो उससे रिलेटेड ज़रूर एक व्लॉग आएगा। और ये चैनल पर अगर व्लॉग्स नहीं आए तो कवर सॉन्ग्स या फिर एनी रील्स के कोई भी ऐसे शॉर्ट्स वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट, म्यूज़िक कवर रिलेटेड आएगा, और नहीं तो व्लॉग आते रहेंगे। सो हाँ इतना ही बोलना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, नहीं जाना, सब्सक्राइब का बटन नीचे दबा दें लाल वाला, वो ग्रे हो जाएगा मतलब आपने, और बीच में बगल में एक घंटा है वो नोटिफिकेशन वाला, उसको भी मार के जाना। तो अगर मैं कुछ नया व्लॉग्स डालूँ या फिर कोई कवर सॉन्ग डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन पीस।